गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सस्तकाल नमस्ते, बड़ों को पैरी पौना और छोटों को हेलो। आपके सामने पेश है स्वराज का एक नया वेरिएंट जो नए मॉडल के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, स्वराज 855 FE। चलो शुरू करते हैं, इस ट्रैक्टर के नए फीचर्स को जानते हैं और क्या क्या चेंज हुआ है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्टर के फ्रंट से बात करते हैं। तो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलती है सिंगल पीस बोनट, जो आपको फ्रंट में हेलोजन टाइप बल्ब के साथ लॉन्ग थ्रो वाले रिफ्लेक्टर के साथ देखने को मिल जाती है। आपको नीचे स्वराज की बैजिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी महीन जाली देखने को मिल जाती है जो रेगुलेटर को और ट्रैक्टर के इंजन को फुल कूलिंग देती है। और फ्रंट में आपको हुड ओपन करने के लिए यहाँ लॉक दिया जाता है, हालांकि की वाला लॉक नहीं दिया जाता है, मैनुअली लॉक दिया जाता है। फ्रंट में आपको नंबर प्लेट यहाँ बम्पर माउंट करने के लिए मिल जाता है। एडजस्टेबल स्ट्रेट टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, जो डोजर में और पटाटो की खेती में काफ़ी उपयोगी होता है। यहाँ से आप फ्रंट एक्सल एडजस्ट कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। साइड में भी काफ़ी महीन जाली दी गई है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हवा इंजन तक पहुँचाए और इंजन को ठंडा रखे। इस ट्रैक्टर में हम लोगों को देखने को मिलती है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ हम लोगों को टाई रॉड देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में 750/16 का बड़ा अगला टायर देखने को मिल जाता है और इंजन की कूलिंग को ध्यान में रखते हुए 3-स्टेज ऑयल टाइप एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छा साइड माउंटेड एयर क्लीनर देखने को मिलता है। इस ट्रैक्टर में हम लोगों को देखने को मिलता है 3 सिलेंडर बॉस कंपनी का इनलाइन पंप, जो देता है 3478 CC और 55 HP की ज़्यादा पावर। और बॉस कंपनी का इनलाइन पंप देता है लो फ्यूल एफिशिएंसी, कम डीजल खपत में लॉन्ग लाइफ देता है, ये लंबे समय तक चलने वाला है। इस ट्रैक्टर में हम लोगों को यहाँ देखने को मिल जाता है पावर स्टीयरिंग सेपरेटेड ऑयल, नया चेंज है इस ट्रैक्टर में, जो कि इस ट्रैक्टर में सिंगल वाटर सेपरेटर और डुअल डीजल फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। रिवर्स वाटर कूलेंट टाइप कूलिंग देखने को मिल जाती है, जो इंजन को काफ़ी ठंडा रखती है और ट्रैक्टर को हीट नहीं होने देती है। 60 लीटर का बड़ा डीजल टैंक देखने को मिल जाता है, 5-स्टार की बैजिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पे, सिंस 1974 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सॉलिड पावर, सॉलिड भरोसा, काफ़ी अच्छे 3D डिजाइन वाले लोगो देखने को मिल जाता है यहाँ पे, 3D डिजाइन वाला इस ट्रैक्टर में। यहाँ रिवर्स PTO की बैजिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है नए वाले ट्रैक्टर में। यहाँ हम लोगों को डुअल क्लच देखने को मिल जाती है और ऊपर चढ़ने के लिए पैडल देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे नए लुक में मडगार्ड देखने को मिल जाते हैं, DRL देखने को मिल जाती है, क्वालिटी एश्योर्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। यहाँ हम लोगों को फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में हम लोगों को देखने को मिलता है 110 mm का बोर और 122 mm का बोर स्टॉक देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में हम लोगों को देखने को मिलते हैं सेपरेटेड पावर स्टीयरिंग प्लस हाइड्रोलिक पंप देखने को मिलते हैं, जो हाइड्रोलिक पंप देता है हम लोगों को 32 लीटर प्रति मिनट ऑयल फ्लो की क्षमता देता है। काफ़ी मोटा यहाँ ऑयल फ्लो वाला यहाँ पाइप दिया गया है, जो काफ़ी मजबूत और स्वराज की बैजिंग के साथ देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा हाइड्रोलिक फिल्टर देखने को मिलता है, इंजन ऑयल फिल्टर यहाँ देखने को मिल जाता है, अल्टरनेटर स्टार्टर मोटर देखने को मिल जाती है, 12 वोल्ट का अल्टरनेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए हीट सिंक के साथ फुली कवर्ड नया स्वराज का साइलेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ 5-स्टार की बैजिंग और साइड माउंटेड बैटरी देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में लेग रेस एंड हैंड रेस दोनों देखने को मिलती है। ऑयल एमएसडी डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। यहाँ ADDC कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो भी कंट्रोल है और लॉक करने के लिए यहाँ सारे लीवर मिल जाते हैं। आप इस ट्रैक्टर में ट्रांसपोर्टेशन लॉक लगा सकते हैं यहाँ से और हाइड्रोलिक की स्पीड तय कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डिस्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दिए गए हैं। यहाँ बाई साइड में एक बॉक्स दिया गया है, जिसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जर कंपनी ऑफर करती है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल दी गई है, सारे ऑपरेशनल। यहाँ फ्यूज बॉक्स दिया गया है, यहाँ स्टार्टिंग चाबी के लिए नॉच दिया गया है, पार्किंग लाइट के लिए नॉच दिया गया है, काफ़ी अच्छा साइड प्रोफाइल मिरर दिया गया है। वहीं इस ट्रैक्टर में हम लोगों को सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो 8+2 गियर के साथ देखने को मिल जाता है इसी नए ट्रैक्टर वेरिएंट में।
12 प्लस दो गेयर बॉक्स का देखो 15 स्पीड साइड शिफ्ट गेयर बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर की अगर पीटीओ की बात करें तो 540 और रिवर्स पीटीओ और फोर स्पीड मल्टी सिंगल रिवर्स पीटीओ और फोर स्पीड मल्टी स्पीड पीटीओ देखने को मिल जाती है। काफी बड़ी सीट देखने को मिल जाती है और भी कंफर्टेबल एडजस्टेबल सीट देखने को मिलती है। सेंटर में हॉर्न देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। स्टीयरिंग व्हील चेंज किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफी बड़ा चेंजमेंट किया गया है। काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ये देखिए साइड प्रोफाइल मेरा। इस ट्रैक्टर पे बैठने पे काफी अच्छा लुक आता है और सारी चीजें विजिबिलिटी एकदम क्लियर रहती है। लगता है किसी चीज पे बैठे हैं। काफी भारी भरकम ट्रैक्टर लुक आने लगा है। इस ट्रैक्टर के अगर अदर फीचर्स की बात करें, इस ट्रैक्टर के अगर रियर टायर साइज की बात करें 14x28 और 16x28 का ऑप्शनल टायर देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि 1800 kg से बढ़ा के 2000 kg कर दी गई है। पीछे आपको टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ वाटर होल्डर देखने को मिल जाता है। सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। मडगार्ड सपोर्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिल जाते हैं। पीटीओ ऑपरेशनल देखने को मिल जाती है। 42.9 HP की पीटीओ देखने को मिलती है, जो आपको 4-speed पीटीओ मिलती है विथ रिवर्स पीटीओ के साथ। थ्री स्टेट टॉपलिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब देखने को मिल जाता है, जो काफी उपयोगी है रिवर्सिबल MB प्लाउ और लेजर सूपा चलाने के लिए। पीछे से यहां से आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाता है, जो ट्रॉली और किसी भी इम्प्लीमेंट को अटैच करने के लिए आप यहीं से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहां लिखा है इजी हिस्स यूज टेलीस्कोपिक लीवर टू ऑपरेट हाइड्रोलिक लिफ्ट फ्रॉम ट्रैक्टर रेयर एंड, मतलब पीछे से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत लिंक दिया गया है यहाँ एडजस्टेबल एडजस्ट करने के लिए। काफ़ी मजबूत लिंकेज पॉइंट दिया गया है। रियल एक्सेल लॉन्ग लाइफ रहे इसलिए ग्रीसिंग पॉइंट दिया गया है। आप देख सकते हैं ग्रीस लगा भी है। काफ़ी ऑल ओवर आपको एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है। पीछे से आपको रात को पार करने के लिए लाइट देखने को मिल जाती है। आप मडगार्ड देखिए और ट्रैक्टर की आप यहाँ से लुक देखिए कितना बल्की लुक आता है। मडगार्ड देखिए काफ़ी मतलब एज जो है वो काफ़ी शार्प नहीं है अब, अच्छा बिल्कुल काफ़ी अच्छे लुक आ गया है ट्रैक्टर का। इस ट्रैक्टर में दो वेरिएंट आते हैं, एक साइड शिफ्ट एक सेंटर शिफ्ट। ये सेंटर शिफ्ट गेयरबॉक्स के साथ है। साइड शिफ्ट में भी आता है, जो 15 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आता है। इस ट्रैक्टर में आपको साइड माउंटेड बैटरी देखने को मिल जाती है। 88 AH की बैटरी देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा एडजस्ट दिया गया है, जो सेफ्टी गार्ड के साथ दिया गया है। फ्रंट से लुक देखिए काफ़ी अच्छा सिंगल पुश बोनट देखने को मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। काफ़ी अच्छे मडगार्ड सपोर्ट और ग्रिप हैंडल दिए गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये ग्रिप हैंडल का काम करते हैं ये पकड़ने के लिए। और ओवर कंपनी ने काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया है ट्रैक्टर में। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर लगता है और सेम प्राइसिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है, सेम प्राइसिंग में आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।